नमस्कार फ्रेंड, आज मैं पेपर का अम्ब्रेला बनाऊंगी। बहुत ही इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं पेपर लूंगी स्क्वायर, तो ये न्यू पेपर भी ले सकते हैं, ओल्ड पेपर भी ले सकते हैं। तो मैं न्यू पेपर पिंक कलर का बनाई हूँ, ओल्ड पेपर है जो एक तरफ प्रिंट था एक तरफ वाइट था, उससे मैं ये रेड अम्ब्रेला बनाई हूँ, रेड एंड ग्रीन पेंट करके। तो मैं दिखा रही हूँ कैसे बनाना है। ये एक वाइट अम्ब्रेला है, वो सब ओल्ड पेपर से। तो देखिए, इसके लिए मैं जो स्क्वायर पेपर ली हूँ उसको एक कोई भी ढक्कन से, या राउंडर है आपके पास तो उससे भी आप ये कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। तो ये सर्कल बनाऊंगी, तो आप कितने डायमीटर लेना है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी फ्रेंड। ये देखिए सर्कल बन गया, अब इसको कट कर लूँगी। तो इस सर्कल को कट करके मैं दिखा रही हूँ, सर्कल बन गए, इसको अब फोल्ड करना है। तो इसको कैसे फोल्ड कर रही हूँ देखिए, ये बीच बीच में एक फोल्ड करना है। हाफ अप, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, इस तरह करके फोल्ड करेंगे। उसके बाद क्या कर रही हूँ बता रही हूँ। पेंसिल लेना है, तो इसके अम्ब्रेला के लिए इसको इस तरह ड्रॉ कर लेना है। इसको कट कर लूँगी, अब इसको कट करके एक तरफ कटिंग करके इसको फेविकॉल से स्टिक करना है। तो अम्ब्रेला का ऊपर पोर्शन बन गए, इसे स्टिक कर दूंगी। अब इसका स्टिक बनाऊंगी जो मैं रियल के जूस का से लूँगी। देखिए ये जो स्टिक रियल का जूस का जो स्ट्रॉ है उसको कैसे अम्ब्रेला का स्टिक बनाऊंगी। देखिए इसको कटिंग कर लूँगी ऐसे ऊपर से एक्स्ट्रा, ये बन गए मेरा अम्ब्रेला का स्टिक। अब इसमें फेविकोल एक राउंड शेप का पेपर लूँगी, इसको 8 पोर्शन में कट कर दूँगी। और एक पतले पेपर लूँगी, इसको भी 1/2 सेंटीमीटर इस तरह वो जो स्टिक के ऊपर पोर्शन में फेविकॉल से राउंड करके अटैच करूँगी। वो भी मैं दिखा रही हूँ कैसे करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब इसमें फेविकॉल लगा के इसको इस स्टिक में अटैच कर दूँगी। वो भी मैं दिखा रही कैसे बना रही हूँ। देखिए हल्का हल्का फेविकोल लगाना है, आप चाहे तो कुछ ग्लू गन से भी कर सकते हैं। तो इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, ड्राई होने इसलिए थोड़ा बहुत हिल जाएंगे फ्रेंड।
देखिए ग्लू लगा के इसको राउंड राउंड करते जाऊंगी। अब नीचे में जो राउंड पेपर कटिंग करी हूँ उससे फेविकॉल से इसको अच्छी तरह स्टिक कर दूँगी ताकि हिले नहीं। इसको ड्राई होने के लिए टाइम देना है, फिर जाके सूख जाएंगे तो और हिलेंगे नहीं। तो इसको यहाँ नीचे अटैच करूँगी जो राउंड शेप का पेपर ली हूँ, उसको धीरे धीरे अंदर से स्टिक के अंदर रखूँगी और उसको फेविकॉल से यहाँ पर स्टिक कर दूँगी नीचे के पोर्शन में। इस तरह छत अम्ब्रेला जो बना वो हिलेंगे नहीं। मैं फेविकॉल से कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई ग्लू गन से भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा हिलेंगे क्योंकि ये सूखने में टाइम लगते हैं। जब सूखे जाएंगे अच्छी तरह तो एकदम अच्छी तरह वो हिलेंगे नहीं। तो इस तरह अभी गीला है, ऊपर भी फेविकॉल ढेर सारा दे दे रही हूँ ताकि वो एकदम अच्छी तरह स्टिक हो जाए, हिले नहीं। तो ये मैं सूखने के लिए कुछ देर छोड़ दूँगी। सूखने के बाद ये अम्ब्रेला बहुत सुंदर बनेगा। इस तरह मैं 3 अम्ब्रेला बनाई हूँ, तो एक बना के बताई हूँ, बाकी तो मैं पहले से करके रखी हूँ। तो ये देखिए अम्ब्रेला मेरा बन गया, अब खाली ड्राई होना बाकी है इसलिए अभी थोड़ा ही लेंगे। बाद में जब सूख जाएंगे तो और हिलेंगे नहीं। आप चाहे तो ऊपर में एक मोती भी लगा सकते हैं। ये मेरा अम्ब्रेला बन गए, और भी 2 अम्ब्रेला बनाई, एक वाइट और एक वाइट में ही मैं पेंट कर दी हूँ रेड और ग्रीन से, वो भी मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा 3 अम्ब्रेला, एक वाइट ग्रीन का पेंटिंग कर दी हूँ, वाइट का वॉल पेपर से बनाई हूँ वो 2 वाइट और ये रेड ग्रीन वाले। अरे ये न्यू पेपर है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तो ओल्ड पेपर ही लग रहा है क्योंकि उसका जो पेपर का क्वालिटी बहुत अच्छा था। तो ये मेरा अम्ब्रेला बन गया है, आपको कैसे लगा बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।